तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग हो रही है बिल्कुल ही न्यू मॉडल बजाज की पल्सर यहाँ पे NS125 के रेड वाले कलर ऑप्शन की, जो कि यहाँ पे फ्रेंड्स इसका बर्न्ट रेड वाला कलर ऑप्शन है। बाइक देखने में यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ओवरऑल में देखते हैं तो अगर आपका बजट जो है वो लगभग 1,25,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स का था, तो ये वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टी लुकिंग यहाँ पे बाइक है फ्रेंड्स इस सेगमेंट में, क्योंकि कम बजट में काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंपनी आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। बिल्कुल ही न्यू लोगों का यहाँ पे यूज़ किया गया है और यहाँ पे ग्राफिक्स आपको मिल जाता है फ्रंट में फ्रेंड्स 125 का, साथ के साथ में कंपनी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड करती है लेग गार्ड वगैरह, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाता है फ्रेंड्स, साथ में स्टडी गार्ड आप देख पा रहे होंगे, अदर एसेसरीज़ भी आपको यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है। रेयर में आपको मिलता है फ्रेंड्स यहाँ पे टायर हगर लगा हुआ है। और अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते हैं तो फ्रंट का जो टायर है वो आपको मिलता है 80 सेक्शन का, 80/100 का, जो कि 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स पर माउंट है। और यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स रियर में 100 सेक्शन का टायर, तो ये भी फ्रेंड्स यहाँ पे एक आपको अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। साथ के साथ फ्रेंड्स इस बजट में यहाँ पे आपको एक आपको अच्छा और मस्कुलर लुक्स यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर देती है। रेयर में आपको मिल रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे मोनोसॉक सस्पेंशन, कंपनी फ्रंट में आपको प्रोवाइड करती है टेलीस्कोपिक फोक्स। और अगर आप इसके डिज़ाइन को देखते हैं फ्रंट से तो कुछ ऐसा यहाँ पे आपको लुक जो है वो देखने को मिल जाता है, सेम NS वाला फ्रेंड्स डिज़ाइन है। और यहाँ पे फ्रंट में आपको एक मिलता है छोटा सा वाइजर डिज़ाइन, यहाँ पे कंपनी आपको लाइट्स प्रोवाइड करती है फ्रेंड्स हैलोजन बल्ब में, इंडिकेटर्स भी आपको बल्ब में मिलता है। तो काफ़ी भाई लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि न्यू मॉडल में क्या कंपनी LED इंडिकेटर्स देगी, तो फिलहाल में तो फ्रेंड्स आपको यही मॉडल मिल रहा है। जैसे ही फ्रेंड्स इसमें LED इंडिकेटर्स वगैरह का कुछ भी अपडेट आएगा आपको हम अपडेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल में यहाँ पे सेम आपको लुक जो है वो मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके ग्राफिक्स के बारे में, तो कंपनी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करती है वाइट कलर से ग्राफिक्स, जो कि रेड में यहाँ पे वाइट का कॉम्बिनेशन आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैट रेड वाला ये कलर ऑप्शन है जिसमें कि आपको यहाँ पे वाइट में जो है वो ग्राफिक्स मिलता है, तो देखने में फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा लगता है। एक आपको यहाँ पे स्पोर्टी रोड प्रेजेंस प्रोवाइड करेगा। और ये जो कलर ऑप्शन है फ्रेंड्स आपको सिर्फ यहाँ पे NS125 में ही देखने को मिलता है, NS160 NS200 में कंपनी ये कलर ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करती है। अब पता नहीं कंपनी ऐसा क्यों करती है, शायद से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। बाकी यहाँ पे आपको NS125 की न्यू बैजिंग देखने को मिलेगी। स्पोर्टी डिज़ाइन के यहाँ पे सीट्स का यूज़ किया गया है जो कि स्प्लिट में है, स्प्लिट में ही ग्रैब रेल्स आपको मिलता है। और फ्रेंड्स इसमें कंपनी आपको टेल टाइडी जो है वो लगा हुआ है यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट दिया गया है और ये आप देख पा रहे होंगे बैक का रिफ्लेक्टर, यहाँ पे भी आपको कंपनी ग्राफिक्स वर्क प्रोवाइड कर देती है। और अगर आप फ्रेंड्स इसके टैंक को देखते हैं तो टैंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, E20 की यहाँ पे आपको बैजिंग जो है वो मिल जाती है। और इस साइड में फ्रेंड्स आपको मिलता है यहाँ पे इंजन किल स्विच इलेक्ट्रिक स्टार्ट, और उस साइड में आपको मिलता है हाई बीम लो बीम पास इंडिकेटर्स और हॉर्न। तो कुछ ऐसा यहाँ पे सेटअप आपको मिलता है, बाइक जो है वो अब FI के साथ आ रही है। साथ के साथ यहाँ पे आपको किक स्टार्ट भी कंपनी प्रोवाइड कर देती है। और यहाँ पे आपको रियर में मोनोसॉक सस्पेंशन मिलता है जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पे काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन आता है बैक में। और किसी भी एंगल से फ्रेंड्स ये जो बाइक है आपको 125 का यहाँ पे फील नहीं प्रोवाइड करेगी, 125cc का। यहाँ पे आपको मिलता है इसका कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जिससे कि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे फ्रंट ब्रेक लेते हैं तो कुछ पार्ट यहाँ पे रियर ब्रेक्स का भी अप्लाई होता है, तो टायर वगैरह जो स्किट होने का यहाँ पे चांसेस है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। और इसमें आपको रियर में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, फ्रंट में आपको 240mm का कंपनी डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स कार्बन एडिशन वाले ग्राफिक्स, और कुछ ऐसा यहाँ पे लुक्स आपको मिल रहा है। इंडिकेटर्स भी यहाँ पे स्पोर्टी डिज़ाइन वाला आपको कंपनी प्रोवाइड करती है और फ्लेक्सिबल भी है, जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पे गिरने से जो टूटने का चांसेस है वो यहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको मिलता है काफ़ी अच्छे डिज़ाइन और टेक्सचर्स, जिससे कि बाइक यहाँ पे स्पोर्टी लगे। और इसका जो चैसी है वो आपको ग्रे कलर में कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अलॉय व्हील्स भी आपको ग्रे में मिलता है, ब्लैक में नहीं है। अगर आप फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे N160 में तो उसमें आपको मिलता है फ्रेंड्स ब्लैक में, बट यहाँ पे कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है ग्रे में। और यहाँ पे रिम टेप्स जो है वो भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं रिम टेप्स वगैरह लगने के बाद फ्रेंड्स बाइक और भी ज़्यादा यहाँ पे स्पोर्टी लगती है। और ईरो ग्रिप के यहाँ पे टायर्स आपको मिल रहे हैं। अगर इस साइड से हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है फ्रेंड्स टैंक पैड, और मीटर कंसोल भी काफ़ी अच्छा मुझे लगता है इस बाइक का। यहाँ पे कंपनी आपको एनालॉग प्लस डिजिटल वाला जो है वो सेटअप प्रोवाइड करती है। यहाँ पे की आपको मिलता है फ्रेंड्स एक स्पोर्टी डिज़ाइन में पल्सर के लोगों के साथ। और इस साइड से अगर आप बात करते हैं तो क्लिप ऑन में कंपनी हैंडल बार्स यहाँ पे आपको ऑफर कर रही है, आप देख पा रहे होंगे, जिससे कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है वो राइडिंग के टाइम पे आपको एक थोड़ा स्पोर्टी यहाँ पे नेचर मिलता है। साथ के साथ यहाँ पे टैंक भी काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, E20 की आपको बैजिंग मिलती है। और फ्यूल फिलिंग जो इसका लिड है वो फ्रेंड्स डायरेक्टली आपका ओपन हो जाता है। आपको हम यहाँ पर ओपन करके भी जो है वो दिखा देते हैं, तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स ये यहाँ पे ओपन होता है। तो आप इजीली फ्रेंड्स इसे यहाँ पे वन हैंडेडली यहाँ पे ऑपरेट कर पाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है वो एक हाथ से इसे ओपन करके क्रॉस कर लिया है। बाकी फिट एंड फिनिशिंग की अगर हम बात करते हैं तो कहीं पे भी आपको जो पैनल गैप्स है वो नहीं दिखेगा। पहले से फ्रेंड्स यहाँ पे जो ओवरऑल में क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रूव्ड है। और अगर आप इस साइड से देखते हैं तो 5-speed गियर बॉक्स का आपको सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स कंपनी ओपन चेन सिस्टम आपको प्रोवाइड करती है। यहाँ पे टायर हगर जो है वो लगा हुआ है जो कि 1-sided है, देखने में अच्छा लगता है। और साथ के साथ फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप ओवरऑल में देखते हैं तो एक आपको स्पोर्टी लुक भी मिलेगा।
ये है फ्रेंड्स पिलियन के लिए, यहाँ पे आपको मिल जाता है फुटरेस्ट और यहाँ पे साड़ी गार्ड वगैरह भी आपको लगा हुआ मिलेगा जो कि बाइक के साथ में आता है एक्सेसरीज। अभी फिलहाल में आप देख सकते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे साथ में कंपनी यहाँ पे मड फ्लैप आपको ऑफर करेगी। तो ओवरऑल में अगर आप देखते हैं तो बाइक का कंप्लीट सेटअप कुछ आपको ऐसा मिलता है। और ये फ्रेंड्स बिल्कुल ही न्यू मॉडल है जो कि अभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस फेस्टिवल सीज़न के मौके पे। तो आज के इस वीडियो में बस यहाँ पे फ्रेंड्स एक शॉर्ट वॉकराउंड था न्यू मॉडल का। अगर आपका बजट जो है वो लगभग में 1,30,000 रुपये के अप्रॉक्स का है तो आप फ्रेंड्स इस मॉडल को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है वन ऑफ द मोस्ट स्पोर्टी लुकिंग बाइक है यहाँ पे 125cc सेगमेंट में। तो जिन भी भाई लोगों का यहाँ पे बजट जो है वो है लगभग में वो 130,000 रुपीज़ स्पेंड कर सकते हैं, वो ज़रूर से एक बार टेस्ट राइड लें, बाइक को चेकआउट करें। और अगर आपको न्यू मॉडल का माइलेज टेस्ट का वीडियो देखना है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।